स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। यहां पर देखिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले अपन बताते हैं कि इसमें एस ब्लॉक का परिचय अपन देखेंगे। एस ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होता है आपके पीरियोडिक टेबल में, उसको अपन देखते हैं। तो देखिएगा, आपके ये पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का प्रारूप होता है, जिसमें आपके सात पीरियड, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर सात पीरियड होते हैं, ये देखिएगा ये आपके सेवन पीरियड हैं, सात आवर्त जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स और सेवन क्षितिज लाइन के रूप में ये व्यवस्थित रहता है। इसके बाद बात करते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं इसमें, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में रहते हैं। तो देखिएगा, 1 से 18 यहां से ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में रहते हैं, 18 तक ये बताए जाते हैं। नेक्स्ट आपके आता है 4 ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं इसमें, 4 खंड। इसमें फर्स्ट होता है एस ब्लॉक, सेकेंड होता है पी ब्लॉक, थर्ड होता है डी ब्लॉक और फोर होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। इस प्रकार ये 4 ब्लॉकों में वर्गीकृत किया जाता है। सीधा सा है कि पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया और इस आधार पर तत्वों को रखा गया कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब देखा जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षक में भरा जा रहा है, इस आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट है आपके फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड हो जाता है सेकंड ए ग्रुप, ठीक है। देखिएगा यहां पर क्या बात आती है कि पहला जो ग्रुप होता है, पहला जो वर्ग होता है उसको क्षारीय धातुएं कहा गया। क्या कहा गया? क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुओं में लिथियम, लिथियम का क्रिस्टल देखिएगा, ये लिथियम है आपके। सेकेंड सोडियम, ये सोडियम का क्रिस्टल हो गया। पोटेशियम, ये पोटेशियम का क्रिस्टल है। यहां पर देखिएगा, जो ये धातुएं हैं क्षार धातुएं, ये क्षारीय गुण रखती हैं, इसलिए इनको क्षारीय कहा जाता है और इनका वर्गीकरण फर्स्ट एक वर्ग में किया गया है। रुबिडियम नेक्स्ट है आपके, रुबिडियम। फिर है सीजियम, सीजियम देखिएगा, ये रहा आपके सीजियम। फिर आता है फ्रेंसियम। फ्रेंसियम में क्रिस्टलीय फॉर्म होती है और फ्रेंसियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ओके। फिर आता है क्षारीय मृदा धातुएं, जो दूसरा वर्ग सेकेंड ए बनाता है एस ब्लॉक का। इसमें क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है। क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम, ये बेरिलियम हो गया आपके, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। इस प्रकार यहां पर क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुओं को वर्गीकृत
किया गया है उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी बात क्या आती है कि इन वर्गों को याद कैसे रखा जाए। देखिएगा यहां पर एक ट्रिक होती है, इसमें क्षारीय धातुओं की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर जैसे आपके फर्स्ट ए में पहला जो मेंबर है वो हाइड्रोजन को रखा जाता है यहां पर। ठीक है, हाइड्रोजन को रखा जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो आपके पहले वर्ग में ही रखा जाता है। तो इसका जो सीक्वेंस वाइज ट्रिक होगा वो हो जाता है, यहां से देखिएगा हाइड्रोजन के लिए है ली ना के रब से फरियाद, तो अपन कह सकते हैं है ली ना के रब से फरियाद, जिसमें हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंसियम सभी मेंशन रहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपके क्षारीय मृदा धातुओं के लिए। क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम के लिए ट्रिक हो जाएगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ओके, इस तरीके से आप ट्रिक से सीक्वेंस वाइज तत्वों को याद रख सकते हैं वर्ग में। ओके, तो यहां आपको ये देखना है। फिर देखिएगा क्षारीय धातुओं में क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है? लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और कैल्शियम को क्षारीय धातुएं क्यों कहते हैं इन तत्वों को? तो अपन कह सकते हैं यहां पर जब भी क्षारीय धातुएं जल से क्रिया करती हैं, क्या होता है, जब जल से ये क्रिया करती हैं तो हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? हाइड्रोक्साइडों का निर्माण करती हैं, जो प्रकृति में प्रबल क्षारीय होता है। क्या होता है? ये प्रकृति में प्रबल क्षारीय गुण दर्शाता है, या यूं कहें कि इनका जो जलीय विलयन होगा वो प्रबल क्षारीय गुण रखता है, इसीलिए इन तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्षारीय धातुओं की उपलब्धता, तो अपन कह सकते हैं क्षारीय धातुओं की जो उपलब्धता होगी उसमें सोडियम पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिल सकते हैं, फिर लिथियम रुबिडियम सीजियम ये जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेस अबंडेंट। ओके, फ्रेंसियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता क्या है वो देखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जब भी बात की जाती है तो अपन कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्वों में स्वतः विघटन पाया जाता है। क्या होता है? स्वतः विघटन पाया जाता है, जिससे यह अल्फा कण बीटा कण गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव जो भी तत्व होगा उनसे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल और गामा रेज इमिशन होता है या उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर फ्रेंसियम की बात करें तो फ्रेंसियम का एक ऐसा समस्थानिक है जिसका अधिकतम आयु काल पाया जाता है, जिसे अर्ध आयु के नाम से जानते हैं। जैसे अपन कहें कि यहां पर फ्रेंसियम के अधिकतम दीर्घ आयु वाला समस्थानिक फ्रेंसियम 223 है, जिसकी अर्ध आयु कितनी होती है? 21 मिनट होती है। कितनी होती है? 21 मिनट। फ्रेंसियम 223 जो होता है वो एक्टिनियम से बना होता है, ये देखिएगा एक्टिनियम से इसको बनाया जाता है। ओके, एक्टिनियम 227 से। नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है आपके एक नोट, नोट में अपन डिस्कस करते हैं कि लिथियम के बहुत से गुण मैग्नीशियम के गुणों से समानता दर्शाता है, इस प्रकार की विकर्ण समानताएं
आवर्त सारणी में विकर्ण संबंध के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाएंगी? डायगोनल रिलेशनशिप के रूप में ये जानी जाती है। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि दो ऐसे वर्ग जिनके तत्वों में आपस में अधिकतम गुणों में समानताएं हो जाएं, तो वो एक दूसरे के साथ विकर्ण संबंध बनाते हैं। ओके, और ये विकर्ण संबंध इनके आयनिक आकार पर निर्भर करता है। तो देखिएगा, जब भी अपन बात करते हैं कि विकर्ण संबंध में तत्वों के आयनिक आकार या उनके आवेश बटा त्रिज्या अनुपात का समान होना ही होता है, ठीक है, ये फिक्स है कि जिनका आयनिक आकार समान होगा या आवेश बटे त्रिज्या का अनुपात समान होगा, उनमें विकर्ण संबंध पाया जाता है। ओके, देखिएगा एग्जांपल, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। देखो यहां पर ये लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शा रहा है। बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, तो ये जो है आपके विकर्ण संबंध रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहां पर स्लाइड पर आप देख सकते हैं कि लिथियम मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से, बोरोन सिलिकॉन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर। आवर्त सारणी में कितने आवर्त तथा वर्ग होते हैं? 7, 18, 18, 7, 6, 18, 18, 18। तो अपन कह सकते हैं आवर्त 7 होते हैं और वर्ग 18 होते हैं, तो इसमें फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, विकर्ण संबंध के कारण सिमिलरिटी इन एटॉमिक साइज, मतलब परमाणुवीय आकार में समानता, परमाणुवीय त्रिज्या में समानता, रासायनिक गुणों में समानता और आयनिक आकार में समानता। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर विकर्ण संबंध का जो मुख्य कारण होता है वो आयनिक साइज होता है, आयनिक आकार होता है। इसका फोर्थ आंसर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लिथियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है, कौन दर्शाएगा? मैग्नीशियम, बेरिलियम, सोडियम या कैल्शियम? तो अपन कह सकते हैं लिथियम के साथ मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप दर्शाता है। ओके, क्षारीय धातुएं संबंधित हैं, क्षारीय धातुएं किससे संबंधित हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट से, पी ब्लॉक एलिमेंट से, डी ब्लॉक एलिमेंट से या एफ ब्लॉक एलिमेंट से? तो अपन कह सकते हैं क्षारीय धातुएं फर्स्ट ए वर्ग एस ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड होता है, तो आंसर जाएगा यहां पर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्षारीय धातुओं के सामान्य गुणधर्म, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जिसमें फर्स्ट आपके दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिएगा, क्षारीय धातुओं के सामान्य गुणों में अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NS2 होता है। इसमें फर्स्ट की बात करें अपन तो फर्स्ट के लिए NS1 हो जाता है। एस ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? एस ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपके रहेगा, NS2 कितना रहता है? NS2। बट फर्स्ट ए ग्रुप का क्षारीय धातुओं का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना रहता है? NS1 होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इनके संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इनके संयोजी कोष में क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये शीघ्र एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एकल संयोजी M+ आयन देता है। क्या देता है? M+ आयन। ओके, M+ आयन के रूप में ये रिप्रेजेंट होता है। प्रकृति में ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ठीक है, ये संयुक्त अवस्था में ही मिलते हैं।
तो अपन कह सकते हैं कि ये प्रकृति में स्वतंत्र नहीं मिलते। क्षारीय धातुएं स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काफी बार, तो अपन बता सकते हैं कि इनकी जो क्रियाशीलता है वो अत्यधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही अपन बात करते हैं कि इनकी क्रियाशीलता का मान जो है वो अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट किया गया है, एटॉमिक नंबर और उनका सिंबल। तो देखिएगा, फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम Li, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 3 होती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s1 रहेगा। ओके, इसका मतलब संयोजकता कितनी है, 1। नेक्स्ट देखिएगा, सोडियम, नेक्स्ट आता है आपके सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसमें 3s1 इलेक्ट्रॉन फिल होता है कॉन्फ़िगरेशन के रूप में। फिर आता है पोटेशियम, ये होता है 19, ओके, 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रुबिडियम 37, 37, 5s1, सीजियम 55, 55, 6s1, फ्रेंसियम 87, मतलब 7s1। तो इन सभी का संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही रहता है, अर्थात इसकी संयोजकता एक होती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, डेंसिटी, घनत्व। जब भी अपन यहां पर घनत्व की बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि क्षारीय धातुओं के सामान्य गुणधर्म में घनत्व, लिथियम का घनत्व जो है वो हो जाएगा 0.37, सोडियम का 0.97, पोटेशियम का 0.86, ओके, और रुबिडियम का 1.53, क्लियर, सीजियम का 1.90 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्रम, क्षारीय धातुओं के घनत्व का क्रम, क्षारीय धातुओं के घनत्व का क्रम जो है वो इस प्रकार होता है कि लिथियम का सोडियम से कम होता है बट सोडियम का पोटेशियम से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और फिर पोटेशियम से ज्यादा जो है वो रुबिडियम का और सीजियम का होता है। क्लियर, तो अपन कह सकते हैं कि यह क्रम टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है, परंतु पोटेशियम के पास आते ही यह अचानक परिवर्तित हो जाता है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो पोटेशियम का असंगत घनत्व होता है, जिसमें देखिएगा पोटेशियम का घनत्व सोडियम की तुलना में कम होता है क्योंकि पोटेशियम के जालक में खाली स्थान उपलब्ध होता है। दूसरा कारण, सोडियम से पोटेशियम में अचानक परमाणु त्रिज्या बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अगला रीजन हो जाता है रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति, कि इसमें रिक्त डी कक्षक भी पाया जाता है जिसके कारण घनत्व में अचानक कमी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गलनांक बिंदु, गलनांक बिंदु में आपके लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 454 केल्विन, सोडियम का 371 केल्विन, पोटेशियम का 336 केल्विन और रुबिडियम का 312 केल्विन और सीजियम का 302 केल्विन। अर्थात अपन कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर गलनांक के मान में कमी आती है। तो क्षारीय धातुओं के गलनांक का क्रम जो है वो इस प्रकार हो जाएगा कि लिथियम से सीजियम तक घटता चला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इनका एमपी एंड बीपी कम होता है क्योंकि इनके धात्विक बंधों का सामर्थ्य
घटता है। तो धात्विक जो गुण होते हैं वो टॉप टू बॉटम जाने पे यहां पे क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में देखिएगा लिथियम का जो क्वथनांक है वो 1615 केल्विन, सोडियम का 1156 केल्विन, पोटेशियम का 1032 केल्विन, रुबिडियम का 961 केल्विन, सीजियम का 944 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम जाने पर घट रहा है। क्षारीय धातु के क्वथनांक का जो क्रम होगा वो देखिएगा, लिथियम टू सीजियम घटता है। ये तत्व कम आईपी रखते हैं, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम रखते हैं, क्योंकि इनकी परमाणु त्रिज्या अधिक होती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या अधिक होती है। यहां पर क्षारीय धातु की द्वितीय, जब भी अपन सेकेंड आईपी की बात करते हैं तो ये बहुत अधिक हो जाती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो वन इलेक्ट्रॉन होता है संयुजी इलेक्ट्रॉन वो रिलीज हो जाता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मिलती है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन के साथ, जिससे इसका आईपी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आयनिक विभव या आयनन विभव, क्षारीय धातुओं के आयनन विभव का क्रम देखिएगा लगातार घटता चला जाता है। ओके, लिथियम से फ्रेंसियम तक आयनन विभव कम हो रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, पोटेशियम और रुबिडियम का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आंसर है पोटेशियम के, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 हो जाता है। रुबिडियम का RB का 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 3D10 4S2 4P6 5S1 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। यहां पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं कुछ। क्षारीय धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4, 3, 1, 2, तो यहां पर हो जाती है 1। फर्स्ट ए का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1, तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 ही होती है। सेकंड, क्षारीय धातुएं हैं एसिडिक, मतलब अम्लीय, बेसिक, क्षारीय, न्यूट्रल, उदासीन, आयोनिक, आयनिक, तो होता है ये क्षारीय, क्योंकि क्षारीयता उत्पन्न करता है जलीय विलयन के साथ, तो गुण हो जाएगा क्षारीय। कौन सी धातुएं असंगत घनत्व दर्शाती हैं? तो देखिएगा लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, तो यहां हो जाएगा पोटेशियम का घनत्व अचानक कम हो जाता है। क्षारीय धातुओं में पोटेशियम के असंगत व्यवहार का कारण है ड्यू टू सडन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, कि परमाणु आकार अचानक बढ़ जाता है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स, तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कि 3D का रिक्त होना भी असंगत व्यवहार का कारण है। फिर लार्ज इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन द क्रिस्टल लैटिस, और इनमें क्रिस्टल लैटिस भी, या अपन कह सकते हैं क्रिस्टल जालक में भी रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो ऑल द अबव, तीनों ही इसका मुख्य कारण माना जाता है, जिसके कारण पोटेशियम का असंगत व्यवहार प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अपन डिस्कस करेंगे कुछ और गुणों को, वो नेक्स्ट सेशन में अपन बात करते हैं। थैंक यू।